मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईपी क्लासेस। जैसा कि लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता रहा था प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में, तो हम डिस्कस कर रहे थे डिप्लॉयमेंट डिलीवरी फीडबैक मॉडल। फीडबैक फेस ये लास्ट फेस होता है आपके प्रोटोटाइप मॉडल का। जब ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर इसमें सडनली कोई प्रॉब्लम आती है, यानी सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस है, कोई चीज़ एक्सटेंड करानी है, तो फिर दोबारा से कम्युनिकेशन फेस स्टार्ट होता है। और ये एक साइक्लिक मैनर में चलता ही रहता है जब तक उस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करना बंद नहीं कर देते। हमारा मीन्स हमसे यूज़र से है, कस्टमर से है, जो इसके लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। इसके बाद हम प्रोटोटाइप मॉडल को कब प्रेफर करते हैं? हम प्रोटोटाइप मॉडल को तब प्रेफर करते हैं जब हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन यूज़र के साथ होता है। यानी ये समझ लीजिए, जब क्लाइंट और डेवलपर दोनों एक साथ बैठते हैं और उसका दोनों अपनी अपने व्यूज़ के बेसिस पर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तब हम प्रोटोटाइप मॉडल को प्रेफर करते हैं। दूसरा, अगर हम कोई ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं, जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वेब इंटरफेस बना रहे हैं, जहां बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन एंड यूज़र के साथ होता है, तो भी हम वहां पर प्रोटोटाइप मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं। तीसरा, जब एंड यूज़र खुद ब खुद कॉन्स्टेंटली सिस्टम के साथ काम कर रहा है और सिस्टम पे बराबर लगातार आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, यानी एंड यूज़र जब कॉन्स्टेंटली सिस्टम के साथ वर्क करता है, उसका इनकॉर्पोरेशन सिस्टम के साथ रहता है कंटिन्यूसली वो फीडबैक प्रोवाइड करता है, तब भी हम प्रोटोटाइप मॉडल को प्रेफर करते हैं। तो ओवरऑल इन तीनों पॉइंट से एक ही चीज़ क्लियर होती है कि जहाँ भी ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है जहाँ क्लाइंट का कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट रहता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, तो उस फेज में हम प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला जो एडवांटेजेस है, यूज़र का एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहता है डेवलपमेंट फेज के दौरान। तो अगर हम डेवलप कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो हम यूज़र से पूछ के करें कि अगर हम इस चीज़ को बना रहे हैं उसको कैसा डिज़ाइन चाहिए, और डेवलपमेंट फेज में ही हम यूज़र को इन्वॉल्व करें, तो वो सॉफ्टवेयर कभी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट से हटकर नहीं बनेगा, वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। दूसरा जो एडवांटेज है, मिसिंग फंक्शनैलिटी भी आइडेंटिफाई हो जाती है। मिसिंग फंक्शनैलिटी, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप कोई कैलकुलेटर डेवलप कर रहे हैं, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सारी फंक्शनैलिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और अगर कोई फंक्शनैलिटी रह जाती है तो उसे आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि यूज़र आपके साथ कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहता है। तीसरा, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, पहली चीज़ का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमेशा टीम के साथ होता है, तो आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एज वेल एज कस्टमर से भी इंट्रैक्शन हो सकता है। चौथा, इसमें नेचुरल चांस है सॉफ्टवेयर रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हम क्लाइंट को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं, जब क्लाइंट के सामने ही और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है, तो 1% चांस है कि क्लाइंट उस सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर दे, 99% वो उसे एक्सेप्ट करता ही करता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज अ क्विकर यूज़र फीडबैक हेल्प अचीव बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन। क्योंकि यूज़र आपके साथ कंटिन्यूसली इन्वॉल्व है, तो उसका जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें ऑन द स्पॉट और उसको डेवलप करते जाएं। इसके अलावा ये मॉडल जो है हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली होता है, और इसमें जितने भी प्रोटोटाइप फंक्शंस आप बना रहे हैं उसको आप इजीली ऑल्टर कर सकते हैं और किसी भी प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड यानी हटा भी सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र रिक्वायरमेंट। लेकिन जहां इसके कुछ एडवांटेज हैं, वहां इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि आप प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसके बाद मॉडल प्रिपेयर होता है, और उसके बाद फाइनल सॉफ्टवेयर। तो प्रोटोटाइप बनाना एक स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी ये टाइम कंज्यूमिंग मॉडलिंग है। दूसरा, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए क्लाइंट्स की सारी डिमांड को फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका ऑन हर एक पॉइंट पर रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है, और उनकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना होगा, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर टू अकोमोडेट ऑल डिमांड चेंजेस बाय द क्लाइंट। नेक्स्ट, क्लाइंट में लोस इंटरेस्ट इन फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, क्लाइंट एट द लास्ट फाइनल प्रोडक्ट जब प्रिपेयर हो वो उसको एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे। हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होने के बाद क्लाइंट को ऐसा लगे कि ये कंपनी जो है सुटेबल नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, तो मे बी पॉसिबल वो सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर दे। इसके बाद डेवलपर हु वांट टू बिल्ड प्रोटोटाइप्स क्विकली में एंड अप, यानी जो डेवलपर इन्वॉल्व है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, वो क्विकली उस प्रोटोटाइप को ख़त्म कर सकता है।
ओवरऑल प्रोसेस जो है वो कॉस्टली होती है।